नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूं तारक मेहता शो से रिलेटेड, जो कि पहले कभी डिस्कस नहीं हुआ होगा। और आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा कि क्या टप्पू रियल लाइफ में मोंटू जैसा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को शौक भी लगा होगा कि मैं आखिर ये क्या बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो पूरी आखिर तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको, और आखिर ऐसी क्या घटना घटित हुई है जिसकी वजह से मैं टप्पू, जिसे कि आप हीरो मानते हो, उसको मैं मोंटू से कंपेयर कर रहा हूँ रियल लाइफ में। तो ऐसा क्या हुआ है, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी आखिर तक देखिएगा। और अभी तक भी अपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की वीडियो के लिए नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पर है राजन आदकत का इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, मैं राजन आदकत को इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ, उनकी स्टोरीज वगैरह देखता रहता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है सवाल उठता है, मैंने पहले भी कई बार देखा है कि राजन आदकत इस तरह की स्टोरीज प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि राजन आदकत कुछ पैसे लेकर यहाँ पर बेस्ट मोबाइल डील्स शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो महंगे महंगे फ़ोन हैं, 1-1 लाख रुपए के आते हैं, 70-70, 80-80 हज़ार रुपए के आते हैं। तो यहाँ पर जो है राजन आदकत की स्टोरी में आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन आपको बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, 23,000, 22,000, 21,000। तो अगर आप सोचोगे यार इतने सस्ते मोबाइल हमको कैसे मिल सकते हैं, वैसे तो दोस्तों इस स्टोरी में डेफिनेटली लिखा हुआ है कि ये रेप्लिका है, मतलब कि डुप्लीकेट फ़ोन है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पर तो खैर उन्होंने लिख दिया कि छोटे से वर्ड्स में लिख दिया रेप्लिका, जिस पर बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि राजन आदकत की जो फैन फॉलोइंग है वो ज़्यादातर छोटे बच्चे होंगे या फिर टीनेज के बच्चे होंगे जो कि राजन आदकत को फॉलो करते होंगे, तो उनको तो यही लगेगा कि ये रियल फोन्स हैं और वो तो खरीद लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उनका वैसा हाल होगा जैसा कि गोगी का हुआ था, वो साबुन को देखकर जब उनको पता चलेगा कि ये कॉपी फोन्स हैं। अब दोस्तों राजन आदकत के ज्यादातर फॉलोअर्स तो यही सोचेंगे कि यार टप्पू है, टप्पू तो बहुत ज्यादा ट्रस्टेड बंदा है और इतने अच्छे फोन हमें इतने कम दामों में मिल रहे हैं, तो हम टप्पू पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इसी वजह से वो फोन खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों बाद में उनका गोगी जैसा ही हाल होगा जैसा कि गोगी का करंटली स्टोरी जो चल रही है उसमें हाल हो रहा है। तो यार ये मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कई सेलेब्स को देखा है जो कि इस तरह की डील डाल देते हैं, हालांकि उसमें छोटा सा लिखा हुआ है कि रेप्लिका है, बट उतना वो रेप्लिका पढ़ता कौन कौन है, कोई भी नहीं पढ़ता। और ज़्यादातर भोले भाले फैंस होते हैं तो वो सेलिब्रिटीज़ पे ट्रस्ट करके वो फ़ोन खरीद लेते हैं, और बाद में पता चलता है सेलिब्रिटीज़ पे ट्रस्ट करना उनको कितना महंगा पड़ गया। तो बस गाइस मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई सिलेब हो जो कि देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें प्रमोट मत करो, क्योंकि फैंस बहुत ही ज़्यादा भोले भाले होते हैं, उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ सिलेब्स पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं और वो चीज़ें खरीद लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आप में से जो भी लोग देख रहे हो जो कि राजन आदकत को या बाकी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हो, तो यार मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि किसी भी सेलिब्रिटीज़ को ना ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हमेशा कुछ भी खरीदने से पहले कोई भी सेलिब्रिटी कुछ भी प्रमोट कर रहा है, अपना माइंड यूज़ करो कि आखिर मेरे को ये चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और यार एक क्वेश्चन है कि अगर आपको इतने सस्ते दामों में इतने बढ़िया बढ़िया फ़ोन मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पर होगा ना कि आखिर इतने महंगे महंगे फ़ोन जो आते हैं वो इतने सस्ते में आपको क्यों मिल रहे हैं। तो हमेशा एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखो कि ऐसा क्यों है। और कभी भी कोई भी सेलिब्रिटीज़ जिसको आप कितना भी बढ़िया तरीके से फॉलो क्यों ना करते हो, प्लीज़ कोई भी वो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं वो खरीदने से पहले 10 बार अपने माइंड में क्वेश्चन पूछे कि क्या मुझे ये सच में खरीदना है या नहीं खरीदना, और आखिर इतना सस्ते दामों पर क्यों मिल रहा है। तो गाइस बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सावधान रहो, सतर्क रहो। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।